दोस्तों कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का पैन कार्ड नहीं है और वो किसी भी बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप भी इसी में से होंगे, आपके पास भी खुद का पैन कार्ड नहीं है और आप किसी भी बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बिना पैन कार्ड के किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वहां पर सबसे पहले जो आपसे डॉक्यूमेंट में मांगे जाते हैं वो है आपका पैन कार्ड, और इसके बाद आपसे आधार कार्ड मांगे जाते हैं। और बिना पैन कार्ड बिना आधार कार्ड का आप किसी भी बैंक में ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपके पास खुद का पैन कार्ड नहीं भी है तो भी आप अपने पेरेंट के बेसिस पर अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी पैन कार्ड के थ्रू अपना सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, कुछ बैंक के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी पैन कार्ड के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी भी कंप्लीट करना होगा, तो आपको बता दें आप यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट नहीं भी कर सकते हैं। बिना वीडियो केवाईसी का ही आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे इन सारे बैंक में, और आपको यहाँ पर बैंकिंग के सारे बेसिक फीचर्स प्रोवाइड की जाएगी अगर आप अपने फैमिली मेंबर में भी किसी का पैन कार्ड के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं। आपको उस बैंक की तरफ से नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप उस बैंक का नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। साथ ही आप कोई अदर यूपीआई एप्लीकेशन यूज करना चाहें, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो ये सारे यूपीआई एप्स आप यूज कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी की जहां तक बात रही, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बिना वीडियो केवाईसी का ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने का झंझट ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आप अपना फैमिली मेंबर का पैन कार्ड डालिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता दूं, आप जैसे ही जाओगे फैमिली मेंबर में किसी का भी पैन कार्ड के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक बातें ध्यान में हमेशा रखना है कि आप जिस भी मेंबर का पैन कार्ड दोगे उसी का आपको एड्रेस फिल करना है, उसी का आपको नेम फिल करना है, उसी का आपको मोबाइल नंबर या फिर मोबाइल नंबर आप अपना भी फिल कर सकते हो। मतलब कि पूरे तरह से अकाउंट उनके नाम पर ओपन होगा और यूज आप कर सकते हैं। तो कौन सा वो बैंक है जिस बैंक में आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी अकाउंट ओपन करके, किसी के भी नाम पर अकाउंट ओपन करके आप यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर आता है कोटक महिंद्रा बैंक। आपको बता दें कोटक महिंद्रा बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक टॉप क्लास बैंक आज के टाइम में बन चुका है, और यहाँ पर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको ब्रांच वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, बैंकिंग के सारे बेसिक फीचर्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंट मिल जाते हैं। हालांकि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी दी जाएगी, जो भी आपका फिजिकल डेबिट कार्ड होते हैं वे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ना लेना चाहें तो यहाँ पर जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दी जाएगी उसके थ्रू भी आप अपना सारे काम कर सकते हैं। तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं उस अकाउंट का। कोटक महिंद्रा बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके सबमिट कर देना है। ओटीपी कोड आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेना है, और हाँ, जिसका भी आप पैन कार्ड दोगे उसी का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। जिसका आप पैन कार्ड दोगे उसी का अकाउंट यहाँ पर ओपन होगा, लेकिन हाँ, यूज आप कर सकते हैं। तो अपना ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेनी है, इसके बाद जो भी आधार कार्ड के नंबर होंगे, जिस भी पर्सन का आप पैन कार्ड देने वाले हो उसी का आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर आपका जो ओटीपी कोड आएगा वेरिफिकेशन कर लेना है। साथ ही यहाँ पर आपको पैन कार्ड के नंबर एंटर करना है और उसका जो भी एड्रेस वगैरह होगा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख लेंगे। नॉमिनी वगैरह ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी कर सकते हैं। इंस्टेंट आपका अकाउंट फाइनली यहाँ पर ओपन हो जाते हैं और आप अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। जो भी आपके अकाउंट के इन्फॉर्मेशन होते हैं इंस्टेंट मिल जाते हैं, साथ ही आपको ईमेल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, आप चाहें तो कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं तो जिसका भी आपने यहाँ पर पैन कार्ड दिए हैं, जिसका अकाउंट यहाँ पर ओपन हुआ है, उन्हीं को बोलना है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। ऐसा ना हो कि पैन कार्ड किसी और का और वीडियो केवाईसी कोई और करने बैठ गया, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा। कुल मिलाकर के अकाउंट दूसरे का ओपन करना है फैमिली मेंबर में किसी का भी और यूज आपको करना है। तो पहला हो गया कोटक महिंद्रा बैंक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है फेडरल बैंक का एक जुपिटर
जिनका डिजिटल सेविंग अकाउंट आता है वो आप ओपन कर सकते हैं। फैमिली मेंबर में किसी का भी अकाउंट आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी वीडियो केवाईसी नहीं करनी होती है, तो झंझट यहाँ पर खत्म है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने का। आप अपने फैमिली मेंबर में किसी के भी नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी का भी अकाउंट ओपन करके आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। बस यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके आपको लॉग इन करने होते हैं, और जिसके भी नाम पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनका नेम वगैरह यहाँ पर फिल करना है। अपना मोबाइल नंबर आप फिल कर देंगे, जिस भी मोबाइल नंबर के थ्रू आपको यूपीआई वगैरह यूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर एंटर करना है, पैन कार्ड के नंबर एंटर करना है उन्हीं का, जिस भी फैमिली मेंबर में जिसका भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, जिसका भी आपको अकाउंट ओपन करना है जिसके भी नाम से, और यहाँ पर एड्रेस वगैरह फिल कर देंगे। नॉमिनी वगैरह आप चाहें तो ऐड कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। बस इंस्टेंट आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। जो भी आपके अकाउंट के इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको टेक्स्ट मैसेज कर दी जाती है, साथ ही आपको ईमेल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, साथ ही जो जुपिटर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फेडरल बैंक का है जुपिटर डिजिटल सेविंग अकाउंट, तो आपको यहाँ पर बैंकिंग के सारे बेसिक फीचर्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही कोई यूपीआई एप्लीकेशन यूज करना चाहे वो सब भी आप कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो जो दूसरा बैंक है वो है फेडरल बैंक का, ये जुपिटर डिजिटल सेविंग अकाउंट, तो ये भी आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी अकाउंट ओपन करके आप यूज कर सकते हो। वीडियो केवाईसी नहीं करना होता है यहाँ पर, तो वीडियो केवाईसी का झंझट खत्म है। हालांकि अगर आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं तो जिसका आप अकाउंट ओपन किए उन्हीं को बोलना है वीडियो केवाईसी करने के लिए। ऐसा ना कि अकाउंट किसी और का ओपन हुआ है और वीडियो केवाईसी करने के लिए कोई और बैठ गया है, रिजेक्ट हो जाएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, जब भी वीडियो केवाईसी करना है आपने जिसका भी अकाउंट ओपन किया है उन्हीं को बोलना है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। हालांकि विदाउट कंप्लीट केवाईसी किए आप 1 साल तक यूज कर सकते हैं जुपिटर अकाउंट का भी, और जो कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है उसका भी यूज आप सिर्फ 1 साल तक कर सकते हैं विदाउट कंप्लीट केवाईसी किए। आप चाहें तो 1 साल के अंदर में कभी भी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो 1 साल तो यूज कर सकते हैं विदाउट कंप्लीट केवाईसी, बट हाँ 1 साल के बाद आपकी इस अकाउंट को क्लोज कर दी जाएगी बिकॉज ये एक डिजिटल सेविंग अकाउंट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जैसे कि यस बैंक है, यस बैंक में भी आप अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी अकाउंट आप ओपन करके खुद आप यूज कर सकते हैं, वीडियो के वैसे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस बैंक का भी जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो जाकर के आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये 3-4 कुछ ऐसे बैंक है जहां पर आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी पैन कार्ड आधार कार्ड देकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनका अकाउंट ही ओपन होगा लेकिन यूज आप कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास पैन कार्ड खुद का नहीं है तो आप किस तरह से अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी अकाउंट ओपन करके आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।